आज तकरीबन 4 साल के बाद मेरे ख्याल से मैं आपके गांव में आया। 2019 तक कई चक्कर लगाए, गांव के जो समस्याएं थी वो काम करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन आप देखिए 2014 में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2014 से पहले देश के क्या राजनीतिक और क्या आर्थिक हालात थे वो मेरे से ज्यादा आप लोग भुगत भोगिए। देश का नाम दुनिया में कहीं नहीं था। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, आज दुनिया में भी भारत का नाम, कहीं भी आप विदेश में किसी को जाने का अवसर मिलता हो तो मैं पहले भी बाहर से बाहर जाया करता हूँ, आज भी जाता हूँ और अभी 2 दिन पहले भी बाहर से आया हूँ। तो लोगों का एक अलग ही नजरिया है, लोग आज भारतवासी को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। हिंदुस्तान एक बड़ी शख्सियत, दुनिया में एक बड़ी शख्सियत के नाम से काउंट होती है। दुनिया में कहीं भी कोई विवाद हो जाए तो हर देश का राष्ट्राध्यक्ष ये कहता है कि यदि नरेंद्र मोदी जी चाहें तो इस देश का समझौता हो सकता है। ये आज भारत की ताकत। प्रधानमंत्री देश का दौरा करते हैं, 1952 में इलेक्शन चालू हुए और 2014 तक सभी राष्ट्राध्यक्ष जो भी प्रधानमंत्री बना सबने विदेश के कई कई दौरे किए, लेकिन हिंदुस्तान की आम जनता को, यहाँ बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी लोगों को, उस देश के को ये नहीं पता था कौन प्रधानमंत्री आया और कौन गया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, यदि विदेश में भी जाते हैं तो कई कई लाख आदमी भारतवासी और उस देश के लोग भी उनका स्वागत करते हैं। ये है भारत की पहचान। और जहां तक हरियाणा का संबंध है, जब से 2014 से सरकार बनी, आप खुद देखेंगे जो मेरे से बड़ी उम्र के हैं कि 2014 से पहले इस गुड़गांव जिले का हरियाणा का क्या हालात थे और आज क्या हालात है। सारे हरियाणा की बात छोड़िए, आप गुड़गांव जिला की बात करिए तो क्या गुड़गांव जिले में यही विकास था जो 2014 के बाद हुआ। मेरा ये आकलन है कि जो 20-25 सालों में काम नहीं हुआ वो भाजपा सरकार बनने के बाद इस हरियाणा का और गुड़गांव का विकास हुआ है। गुड़गांव का इतना फर्क था कि सबसे ज्यादा रिवेन्यू गुड़गांव जिला देता है और लेकिन जब विकास का नंबर आता था तो सबसे कम खर्चा गुड़गांव जिले में होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस प्रदेश में सबसे ज्यादा खर्चा भी गुड़गांव जिले में हुआ है। गुड़गांव का आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, नए और गुड़गांव में ऐसा अंतर था जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। यदि पुराना गुड़गांव से आप निकल के नए गुड़गांव जाना चाहते थे तो आपको 1-1 घंटा लग जाता था। आज सारे टावर अंडरपास बन के तैयार हो गए, हिरोंडा चौक, राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, इफको चौक, द्वारका एक्सप्रेस वे, बादशाहपुर एलिवेटेड, कहीं आपके यहाँ बीच में यूनिवर्सिटी बन रही है। कितने सालों में हरियाणा को बने, सब जो जिले हमसे बाद बने 20-20, 30-30 साल हरियाणा बनने के बाद जिले बने उनमें नई नई यूनिवर्सिटियां सरकारी खुली, लेकिन गुड़गांव जिले में किसी ने यूनिवर्सिटी नहीं खोली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने यूनिवर्सिटी का, ये छोटा काम नहीं है, कोई 500-400 करोड़ का नहीं है, ये बढ़ते बढ़ते कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का काम है, जो छोटा काम नहीं है। और आने वाले बच्चों को यहाँ नजदीक शिक्षा मिलेगी, इससे बड़ी उपलब्धि इस गुड़गांव जिले को नहीं मिल सकती। कनेक्टिविटी में काम किया, अपने यहाँ खेड़ की माजरा में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है जिसकी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो रही है, क्लासे इस साल से वहां भी चालू होगी। क्लासे तो 5 साल पहले हमने लगवा दी थी वहाँ गुड़गांव कॉलेज में, लेकिन अब यूनिवर्सिटी का विधायक अपने जिले में अपने हल्के में कितने विकास के काम लाता है। 2014 से 2019 के बीच में आप लोगों ने मुझे विधायक चुन के भेजा, जो मैं एक विधायक के तौर पर एक मंत्री के तौर पर कर सकता था वो मैंने किया। आप लोगों का काम है, आप लोगों ने विधायक बना, हर पंचवर्षीय योजना में आप एक विधायक चुन के भेजते, ये उस व्यक्ति की शख्सियत है कि वो मंत्री बनता है कि नहीं बनता। ये मेरा तो सौभाग्य रहा कि मैं 3 बार विधायक बना और 3 लोगों के 3 लोगों मंत्री बना। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मेरी टिकट काट दी, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। राजनीतिक हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि ऐसी बोलती चल जाती है, टिकट कट जाती है। भाई अब पार्टियां, सभी पार्टियां सर्वे करवाती है कि भाई कौन व्यक्ति इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जीतेगा। पहले भाजपा नहीं, पहले तो भाजपा करवाती, तब सभी पार्टियां करवाती है। तो भाई लोग कोई इश्तिहार छपवाता है, कोई टेम्पू पे लगवाता है, कोई खंभों पे लिखवाता है, भाई मुझे कहीं लिखवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो पैसे भी खर्च होते हैं। भाई इन सबको खंभों पर टकर तो टंकों पर दीवार पर मेरे को तो सिर्फ दिल में रखो। यदि आपको दिल से लगे कि
कि भाई नरवीर सिंह आपके हकों की रक्षा कर सकता है, आपके इलाके का विकास कर सकता है, तो भाई एक ही बात है, कोई खर्चे की बात नहीं बताता, सिर्फ आपस में चर्चा करते रहो, कोई आदि मिले तो भाई ये कहते रहो कि भाई नरवीर सिंह जीतेगा, अरे तुम्हारा कुछ खर्चा लेगा मेरा इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। तो मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूँ भाई, पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी मदद करना, मेरा काम पहले भी देखा है और आगे भी जो आप लोग कहोगे, मैं चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला सकता, लेकिन एक मंत्री की एक विधायक की हैसियत से जो मैं कर सकता हूँ वो सोचने की जरूरत है कि यह काम नहीं होगा। सरकार का काम है जो काम नहीं हो सकता वो करने का, तो मैं वो सारे काम आपको पहले भी देखा है, जो काम कह दिया ना होने वाले भी काम हमने करे, इलाका है आपका काम ही नहीं, इसी काम में आप चले जाओ। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ, ये हमारे सरपंच साहब बैठे पुराने भी, भाई जो इन्होंने काम कहा, मैं पहला विधायक हूँ हरियाणा विधानसभा में जिसने सब सरपंचों से चुनाव होने से पहले, जब मैं 19 में था तो इनसे सबसे हाथ खड़े करवा लिए कि भाई गांव में कोई काम तो बाकी नहीं है, वो सरपंचों ने ना बताया तो भाई उनकी मर्जी नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोई विकास में कोई पैसे में किसी चीज में जो इन्होंने कहा वो काम कर दिया। और आपको भरोसा दिलाता हूँ आगे भी जो आप जो पंचायत चुन के भेजोगे, जो गाँव काम कहेगा वो सारे के सारे काम, और उसमें देरी ना लगेगी, 6 महीने लगे भाई, जो कागज कार्रवाई 1-20 दिन में पूरी होती होते काम शुरू हो जाएंगे। आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि बिना खर्चे का सिर्फ प्रचार करते रहो, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। जय हिंद।